ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट का उपवंश है जो कि बाकी वेरिएंट के मुकाबले में तेजी से फैलता है और भयंकर संक्रामक है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी ये अपनी चपेट में बार बार ले सकता है। वहीं ओमिक्रॉन BF.7 से संक्रमित होने के बाद लक्षण बहुत जल्द दिखने लगते हैं। ओमिक्रॉन BF.7 के लक्षण दूसरे वेरिएंट की तरह ही हैं, हालांकि जोए हेल्थ की स्टडी के मुताबिक इनका कम ऊपर नीचे हो गया है। सर्वे में मुख्य लक्षणों के रूप में गला खराब होना, नाक बहना, बंद नाक, छींक आना, सूखी खांसी, सिरदर्द, बलगाम वाली खांसी, कर्कश आवाज, मांसपेशी में दर्द, सूंघने की क्षमता बदलना आदि शामिल हैं। 1 से 18 लोगों में फैल सकता है ओमिक्रॉन BF.7। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन BF.7 की R वैल्यू से 18.6 तक है। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज 10 से 18-19 स्वास्थ्य लोगों को संक्रमित कर सकता है। इससे पता चलता है कि ओमिक्रॉन BF.7 कितना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।